राजनीति में इस बार मुकाबला जरा हटके है। दो प्रशासनिक अधिकारी, दो सहयोगी आंदोलनकारी आमने सामने हैं। कभी नेताओं को मंच पर आने देने से परहेज करने वाले केजरीवाल और किरण बेदी अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जन लोकपाल आंदोलन के साथ ही अब सियासी अखाड़े में आमने सामने हैं। जिन मतभेदों पर कभी आदर्श और उसूलों के पर्दे में बात होती थी, अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। किरण बेदी के लिए ये फैसला सिर्फ राजनीति में शामिल होने का नहीं था। उन्हें मालूम था कि सीधा मुकाबला पुराने सहयोगियों से होना है। बीजेपी में शामिल होने के दिन किरण बेदी जिस सवाल को बार बार टाल रही थी, केजरीवाल से जुड़े सवाल पर जवाब देने से मना कर रही थी, लेकिन अगले ही दिन उनके तेवर बदल गए। किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी नहीं, सीधे सीधे केजरीवाल का नाम लेकर उनके राजनीतिक तरीकों पर सवाल उठाया। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के आरोप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पे लगा रहे हैं, उसका क्या कड़ा जवाब आपकी तरफ से आएगा? मुझे इसके बारे कुछ नहीं कहना। मैं इस वक्त मिठास की बात कर रही हूँ, प्रगति की बात कर रही हूँ, कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ, प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ। लेकिन आप जो है पॉजिटिव बातें कर रही हैं, आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कह रही हैं, तो इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगी? क्योंकि मैं, मेरी नेचर ही पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव देखती नहीं हूँ, मैं सुधार में देखती हूँ कि एक सिचुएशन को सुधारा कैसे जाए और आगे लेके कैसे जाए, क्योंकि समय वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। किरण बेदी के चुनाव लड़ने और सीएम उम्मीदवार को लेकर औपचारिक फैसला नहीं हुआ है और ना ही पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी हुआ है, लेकिन स्वागत भाषण से लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तक किरण बेदी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहती है। केजरीवाल से टक्कर को लेकर किरण बेदी का बयान सुनिए। मैं टक्कर नहीं समझती हूँ। मेरा कुछ टक्कर क्या? टक्कर तो सड़क पे होती है, उसको कहते हैं एक्सीडेंट। वो मैं ट्रैफिक पुलिस से सीखा है, मेरे लिए कोई टक्कर नहीं है। ये तो चॉइस है, लोग चॉइस करेंगे, जो वोट करेंगे ना वो चॉइस करेंगे मुझे मेरा भविष्य कैसा चाहिए। एक दिन पहले तक किरण बेदी के सियासत में आने का स्वागत करने वाले केजरीवाल का अंदाज भी बदल गया। उनका स्वागत है, जब वो राजनीति में आई है बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है। हम लोग तो कहते हैं जी 20 नए कॉलेज खोलेंगे, सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाएंगे। केजरीवाल के खिलाफ किरण बेदी को उतारने की रणनीति के पीछे की वजह भी यही है, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और दिल्ली की जनता में पकड़। इन तीनों मोर्चों पर केजरीवाल और किरण बेदी करीब करीब बराबर हैं। केजरीवाल की रणनीति किरण बेदी पर सीधे सीधे हमला करने से बचने की रह सकती है, लेकिन सियासी मजबूरी की वजह से किरण बेदी शायद ऐसा नहीं कर पाए। बीजेपी सभी 70 सीटों पर किरण बेदी की रैली का प्लान बना रही है। तय है कि चुनाव से ठीक पहले किरण बेदी का दाव चलकर बीजेपी ने केजरीवाल की चुनौती बढ़ा दी है। दिल्ली के दंगल में अन्ना के दोनों सिपाही अपना अपना मोर्चा कैसे संभालते हैं देखना दिलचस्प होगा। श्वेता शर्मा के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।